इस वक्त तक स्टूडेंट्स का ये मामला हल नहीं होता, जो स्टूडेंट्स सड़कों पर हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आए रोज मीर रियासत के दरबार पर दस्तक हम अपने शो में भी देते हैं। जब तक ये मामला किसी जो है वो तोड़ नहीं चढ़ता है, ये ऊँट किसी करवट नहीं बैठता है, तब तक हम इसको अपने प्रोग्राम में उठाते रहेंगे। आज इससे पेशतर कि हम कोई बात करते, हम इस पर अपनी राय का इजहार करते, हमने स्टूडेंट्स से उनकी राय तलब की और उसको कंपाइल करके हम मीर रियासत के दरबार में पेश कर रहे हैं। स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, सबसे पहले ज़रा स्टूडेंट्स के बाद मुझे अगली स्टोरी की तरफ बढ़ना है। कोई स्मार्ट सिलेबस नहीं कम किया, ये मीडिया से झूठ बोल रहे हैं, स्टूडेंट्स को लेट डाउन कर रहे हैं, कोई स्मार्ट सिलेबस कुछ भी नहीं है, हमारा सिलेबस मुकम्मल नहीं है। हम बार बार चीख चीख के हुकूमत से ये बात कर रहे हैं कि हमारा सिलेबस मुकम्मल नहीं है। 40 दिन आपने कॉलेज खोले हैं, उसमें से हम क्या करें, हम कैसे प्रिपरेशन करें अपनी, हमारी प्रॉपर तैयारी नहीं हुई और हम मेंटली डिप्रेस्ड है। वक्त दिया जाए या हमें प्रमोट किया जाए, अपने फैसले पर नजरसानी करें और बच्चों पर रहम करें। रिड्यूस सिलेबस की 60% की बात कर रहे हैं सब पीटीए वाले, सर वो सब्जेक्ट्स निकाल दिए गए हैं, वो हैं ही नहीं। अब जो रिमेनिंग केमिस्ट्री बायो फिजिक्स हैं उनमें 80% सिलेबस है, रिडक्शन इज ओनली 10%। सर एग्जाम्स उस चीज़ की दी जाती हैं जो चीज़ आपको पढ़ाई जाती है, हमें तो इस साल कुछ नहीं पढ़ाया गया है, इसलिए एग्जाम्स कैंसिल होने चाहिए। ये स्टूडेंट्स इस वक्त सख्त डिप्रेशन में हैं, मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं। हम सिर्फ यही करेंगे, शफकत महमूद साहब से और इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना, हमें ज़मीन के मसाइल पे बात करें।